तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगी स्नेहा की कुछ प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट मेमोरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रश्मि त्यागी। सो गाइज, आप सब कैसे हैं सबसे पहले ये बताइए, और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी बताइए, और अगर कोई कमी लगती है तो वो भी बताइए प्लीज। तो आज क्या स्पेशल है व्लॉग में, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्नेहा की कुछ मेमोरी। टंटडन, ये देखिए। तो गाइज, अब आपको मैं बाहर तो नहीं ले जा सकती थी आज, वो रीजन ये है क्योंकि आज था सैटरडे, और सैटरडे में क्या प्रॉब्लम थी, आज बच चुके थे एग्जाम, तो इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाई, कोई व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, और घर का भी नहीं किया है मैंने कोई व्लॉग शूट। वो रीजन ये है क्योंकि बच्चों के एग्जाम है तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उनको भी प्रिपरेशन करानी होती है, आप समझ सकते हो। तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि व्लॉगिंग चैनल है, डेली व्लॉगिंग नहीं दिखा रही है, तो प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए। मैं भी एक वुमेन हूँ, और बहुत सी जो मेरी व्यूअर्स हैं वो भी वुमेन है, वो समझ सकती हैं इस बात को कि जब बच्चों के एग्जाम्स चलते हैं तो कितना वर्कलोड बढ़ जाता है, घर का भी, ऑलरेडी बच्चों को भी देखना है, तो इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊंगी जरूर आपके लिए। तो देखिए, आज मैंने सोचा कि मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ स्नेहा की बचपन की कुछ मेमोरी। तो ये देखिए, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो क्यूट सी बच्ची दिख रही है ना आपको, ये देखिए, ये स्नेहा है। और ये वाली जो मींस क्या बोले हैं आप इसको, एल्बम, ये एल्बम मेरे को मिली थी सिल्वर सिटी गाजियाबाद में, सिल्वर सिटी करके मॉल है एक, उसमें से मैं इसको लेकर आई थी जब स्नेहा मतलब बहुत छोटी थी, मतलब हो गई थी उसके बाद लेकर आई थी। लेकिन मैंने इसके अंदर स्नेहा की ऑलमोस्ट जब से वो हुई है अब तक की सब कुछ बातें फिल की हुई है, मींस उसने कैसे चलना सीखा, कैसे उसने बोलना, मतलब फर्स्ट वर्ड उसका क्या था, ऐसे करके मतलब जो भी अच्छी अच्छी मेमोरी थी तो वो सब मैंने इसके अंदर इसकी कलेक्ट की हुई है। तो अगर आप चाहें ना, तो अगर किसी के मींस न्यू बोर्न बेबी होने वाला है तो आप ये आइडिया मींस अपने पास सेव कर सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है यार। देखो, हम छोटे थे तो हमारी मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार जब हम छोटे थे तो हम कैसे दिखते थे और अब कैसे हो गए। तो यार आप ये सोचो, चलो ठीक है फोन में हम फोटो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन उनकी कोई भी लाइफ नहीं है, वो क्या होता है, वो डिलीट हो जाएंगे, मेमोरी फुल हो जाएगी, आप लैपटॉप में भी डाल देंगे तो वो क्या पता खराब हो जाए, बट फोटोज एक ऐसी मेमोरी होती है पहले से, वो कभी भी खराब नहीं होती है। एग्री करते ना मेरी इस बात से, मुझे पता है सब एग्री करेंगे, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा क्रेज होता था फोटोज का, अब इतना नहीं है क्योंकि फोन और मोबाइल ये सब, और आपका कैमरा चल गया है तो फोटोज कम बनवाते हैं, क्लिक ज्यादा कराते हैं फोटो। बट मुझे बहुत शौक है, मेरे घर में ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी फोटोग्राफी पिक्चर्स मिलेंगी, ऑलमोस्ट हम कहीं भी जाते हैं तो जरूर फोटो क्लिक कराते हैं और बनवाते भी हैं, और अभी पेंडिंग में भी है बहुत सारी फोटोज, क्योंकि अभी बहुत जगह घूमने गए हैं, विजिट करने में गए हैं, तो मीन्स मैंने बनवाने के लिए रखी है, बट सचिन जी सुन ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं इकट्ठी कर लो। अरे भाई, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर चार्ज भी उतना दुगना हो जाएगा, लेकिन बोलते बोलते थक गई हूं मैं, नहीं बनवा रहे वो, लेकिन जब भी बनेगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। फिलहाल मैं ये वाली कर रही हूँ आपके साथ शेयर, क्योंकि मेरे घर में है बहुत सारी फोटो एल्बम, धीरे धीरे मीन्स स्लोली मैं आपको सारी एल्बम शेयर करा दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। तो सबसे पहले करा देती हूँ ये, है ना प्यारी। तो जी ठीक है जी, ओपन कर देते हैं, और इस पर लिखा हुआ है बेबी, तो ये गर्ल बेबी और बॉय बेबी दोनों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ओनली गर्ल्स के लिए है। तो ये स्नेहा की है एल्बम, और यहाँ पर देखिए मेरी सबसे पहले क्या आई है, प्रेगनेंसी डेट आपको इसमें कैमरे में आई थिंक
सही नहीं दिखेगी, उल्टा दिखेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊं, किस तरह से। देखो ऐसे सीधा आ रहा है ना शायद, नहीं नहीं आ रहा। पता नहीं क्या कुछ तरीका तो होता है कि मिरर में आप दिखाएंगे तो वो ठीक दिखाई दे, क्या होता है मुझे भी नहीं पता किस तरह से दिखाते हैं, नहीं समझ में आ रहा। मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है इवन कि मेरी प्रेगनेंसी डेट क्या थी, और स्नेहा मींस डिलीवर्ड कब हुई है, और उसने फर्स्ट टाइम मींस क्या रिएक्शन दिए जब वो हुई, मींस रोई हंसी। हालांकि सब बच्चे रोते हैं वो सबको पता है, कॉमन है, बट फिर भी इसमें दिया हुआ है आप लिख सकते हैं। और जब स्नेहा बहुत छोटी थी तो सबसे पहले हमने उसके हैंड मार्क्स लिए थे, ये देखिए अच्छे से नहीं आए हैं बट लिए थे। ये फुट जैसे वैसे फुटप्रिंट भी लेते हैं ना, वो नहीं है मेरे पास, ये है। बट अगर कोई लेना चाहे तो लेनी चाहिए, वो भी बहुत प्यारे और क्यूट लगते हैं। तो इस तरह से ना ये सब कुछ किस टाइम हुई थी, 4 o'clock हुई थी वो, 26 मिनट AM, और गाजियाबाद में हुई थी हॉस्पिटल में। तो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, मीन्स डॉक्टर का नेम भी है इवन, देखिए डॉक्टर अरुण। और क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ के ही बताना पड़ेगा अब आपको। तो इसमें पता है ये भी लिखा हुआ है सबसे अच्छा, मैं अब खुद भूल चुकी हूँ, मैंने लिखा और मैं ही भूल चुकी हूँ। मदर फीलिंग अबाउट बेबीज फर्स्ट क्राइंग, तो मैंने क्या लिखा है मैं पढ़ के बताती हूँ। सो हैप्पी एंड गुड फील व्हेन स्नेहा फर्स्ट क्राइंग, रियली बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। आप समझ सकते हो माँ के लिए अपना बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, क्या फील कर सकती है उस टाइम वो। तो वही वाली फीलिंग थी मेरी, और मतलब बहुत ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में उड़ रही हूँ मैं, पता नहीं क्या मिल गया मुझे। तो ये देखिए फर्स्ट स्नेहा मीन्स उसका ना नेम का मीनिंग है इसमें। सबसे पहले तो स्नेहा के नेम का मीनिंग होता है प्यार, लव। और हु गिव मी द नेम, ये भी है इसके अंदर, हु गिव मी द नेम। तो ये नेम उसकी प्यारी सी मम्मा ने उसको दिया है, क्योंकि उसके डैडा ने मीन्स डैडी यानी कि पापा, पापा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो प्यार से डैडी बोल रही हूँ मैं। उसके पापा ने पहले से ही सोचा हुआ था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम स्नेहिल नाम रखेंगे, लेकिन अब हो गई हमारी बिटिया रानी। तो जब बिटिया हो गई तो भाई अब क्या करें, अब तो कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा कि बेटे के नाम से ही बिल्कुल मिलता हुआ नाम रखना है। तो मेरे माइंड में एक नाम आया, वो था स्नेहा, तो इसीलिए मैंने उसका नाम रख दिया स्नेहा। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये देखिए सबसे पहले क्यूटी पाई को, उस टाइम पे ना पिक्चर्स जो कैमरा था वो हमारा ज़्यादा फाइन क्वालिटी का नहीं था, तो थोड़ी अच्छी तो नहीं है, नॉर्मल है, बट जैसी भी है मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये स्नेहा है प्यारी सी बच्ची मेरी स्नेहा। तो ये बिल्कुल मुझे लग रहा है वन डे की है शायद ये वाली पिक्चर, तो इस तरह से लग रही थी ये। और ये हुई थी विंटर में, तो वूलन क्लॉथ पहने हुए इसने। और ये देखिए इसमें सब कुछ लिखा है, ग्रैंडफादर का नेम क्या है और ग्रेट ग्रैंड मदर कौन है। ये तो ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स मेरे मम्मी पापा यानी कि उसके नाना नानी। सबसे पहले देखो इसमें नाना नानी का नाम है, तब उसके बाद उसके दादा दादी का नाम है। तो मेरे पापा का नाम मुकेश कुमार त्यागी, मम्मा का नाम सुनंदा त्यागी, और उसके बाबा जी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है देखिए चिद्दा सिंह। और दादी माँ का नाम है मीना देवी। मेरी सासू मोम बहुत ही प्यारी थी सच में, बहुत प्यार करती थी बच्चों को, शायद ही कोई दादी इतना प्यार करती हो। और जरा सा भी बच्चे रोने भी लगते थे ना तो वो एकदम इतनी वरिड हो जाती थी कि भाई क्यों रो रहे हैं, क्या कर दिया तुमने, तुम्हारे काम ही नहीं खत्म होते कि बच्चों को नहीं ले सकते हैं। ऑलमोस्ट हमें तो कुछ काम ही नहीं करने देती थी हमारी सासू मोम, बच्चों को लेकर बैठ जाती थी और मीन्स ये कहती थी काम खत्म करो और बच्चों को लो। तो बहुत प्यारी थी सच में, याद आती है उनकी बहुत ज्यादा, मिस करते हैं हम सब, हर चीजें बताई नहीं जाती हैं। और ये ऑन कैमरा नहीं बोल रही हूँ मैं कि कैमरे को दिखाने के लिए बोल रही हूँ, मन से और दिल से हमेशा याद आती है उनकी। पर क्या कर सकते हैं, अब वो हमें छोड़ के जा चुकी हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ बहुत सारी। ये देखिए ये स्नेहा के यहाँ पर ना बेबी फर्स्ट स्माइलिंग डेज आफ्टर बर्थ, तो इसमें लिखा है स्नेहा ने सबसे पहले स्माइल कौन
कौन से डे को कहता था जब वो 10 दिन की हो चुकी थी. गाइस 10 दिन की, 10 दिन का बच्चा स्माइल, मतलब स्माइल तो अनजाने में तो बच्चा करता है कि मींस उसे पता ही नहीं होता कब वो रो रहा है, हंस रहा है, बट एक होता है ना मेरे को देख के उसने स्माइल करा था सबसे पहले. वाओ कितना लवली मोमेंट था यार, क्या बताऊं बस आपको, मतलब लग रहा था कि मेरा बच्चा मुझे देख के खुश है. बहुत प्यारा लगता है अपने बच्चों को, हम अपनी फीलिंग्स शायद बता नहीं पाते हैं लेकिन सच में बहुत प्यार करते हैं हम उनसे. और बेबी फर्स्ट स्माइलिंग तो मैंने बता दिया है, द रिकॉर्ड बेबी फॉर चेकिंग फ्री नोट्स हैं ये सब. अब आ गया है हमारा स्नेहा का फर्स्ट हेयर कट, कब हुआ था देखिए, तो स्नेहा का फर्स्ट हेयर कट हुआ था इन दिसंबर 8/2/2009. तो मतलब इसमें मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है कि वो फर्स्ट क्लाइंबिंग उसने कब चढ़ना शुरू किया, फर्स्ट कॉलिंग मॉम उसने कौन सी डेट को किया, उसने किया 28 सितंबर, 28 सितंबर के दिन उसने मुझे सबसे पहली बार माँ बोला था, मींस मम्मी बोला था. तो फर्स्ट कॉलिंग ऑफ डैड बोला है उसने 20 जून को, तो सितंबर के बाद उसने 20 जून को अपने डैडी को मींस पापा बोला. हम पापा बोलते हैं, डैडी नहीं बोलते, डैडी तो एकदम मॉडर्न वर्ड है फैशन वाला, लेकिन हम मींस हमारे बच्चे पापा बोलते हैं. तो फर्स्ट टूथ कब निकले हैं 23 को, ऐसे करके सब कुछ लिखा हुआ है, चलना कब शुरू किया है 8 दिसंबर को. ऐसे आप बोर हो जाएंगे पढ़ के, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा है, मैं आपको बता रही हूँ पर आप बोर हो रहे होंगे इसलिए. चलो मैं पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ आपके साथ फटाफट. ये सब कुछ लिखा हुआ है, इस टाइप की अगर आपको एल्बम चाहिए तो इजीली मिल जाती है, आप कहीं भी जाकर ले सकते हैं और अपने बच्चे का हर मोमेंट इसमें कैप्चर कर सकते हैं. तो ये देखिए, ये रही स्नेहा, क्यूट बच्चा. और देखो इसमें सब कुछ लिख रखा है मैंने कि ये क्या खाती थी, क्या उसको पसंद था, समथिंग वीपिंग वीपिंग ग्राउंडली श्री, मतलब माता वैष्णो देवी गई थी वो सबसे पहले, ये लिखा हुआ है इसके डैडी ने, उसके पापा ने, मतलब उनको भी शौक था तो कभी मैं नहीं लिखती थी ना तो वो लिख देते थे यहाँ पर. तो ये राइटिंग उनकी है, मेरी नहीं है, उन्होंने लिखा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है. और ये देखिए, ये आ गया बेबीज फर्स्ट बर्थडे पिक्चर, ये देखिए. तो इसने यहाँ कुछ इस तरह से लगी थी फर्स्ट बर्थडे पर. और कुछ पिक्चर्स में मिसिंग भी है, मैंने जैसे निकाल लिया, स्नेहा को शौक है अपनी पिक्चर्स अपने पास रखने का तो उसने यहां से निकाल लिया. तो ये थी इसकी छठी पूजन की. तो कैसी लग रही है, काली आके हो रही है, ये हमारी मम्मी ने डाली थी इसकी, मतलब शाई, और कह रही थी देखो छठी है अच्छे से डालनी चाहिए शाई, और कितनी क्यूट लग रही है, लग रही है ना. और दिखाती हूँ, अब मिलवाती हूँ स्नेहा की दादी माँ से, यानी के हमारी सासू माँ से. अब देखो ये है इसकी दादी माँ और स्नेहा इनकी गोद में है. और ये देखो छट्टी की है, सो गई. देखो अब दिखाती हूँ, ये स्नेहा है. हम दीदी के साथ गए थे, मेरी जो ननंद है तो वहाँ पे फोटो क्लिक कराई थी. और ये मेरे मायके की है. तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. ये देखो क्यूट से, ये ना पालना था, मेरी मामी के भी बेटा हुआ था जय, तो उसका पालना था ये, तो उसमें लेटी हुई है, बड़ा क्यूट सा बनवाया था उन्होंने. और ये रही स्नेहा, ये मैंने पिक्चर क्लिक कराई थी जो वो बोलते हैं ना स्टूडियो में जाके, तो ये वाली भी क्यूट सी. और इसकी मौसी ने दी थी ये ड्रेस, अनु ने दी थी, ये कितनी क्यूट ड्रेस है, ये दोनों ड्रेस अनु ने दी थी. और ये मैं हूं, देखो मैं कैसी लगती थी पहले, पिक्चर्स कैसे लगते थे ना, सही लग रही हूँ भाई, जैसी भी लग रही हूँ ऐसी लगती थी. और ये देखो ये स्नेहा है और मैं मिलाती हूँ, ये स्नेहा के डैडी, ये मैं और ये स्नेहा, और ये दीदी है मेरी, इनकी छोटी सिस्टर यानी कि मेरी ननद. तो देखिए ये स्नेहा, ये भी स्नेहा, और ये स्नेहा की मौसी छवि, और ये है महिमा, और ये है ऋषभ यानी कि मेरा मामा का बेटा, और ये दीदी की बेटी है, और ये छवि है. और मैं पास में थी, मैंने फोटो कट कर दी क्योंकि मैं सुंदर नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और मैं थक चुकी हूँ. मैं ऐसे खड़े होकर दिखाती हूँ आपको जल्दी जल्दी. तो ये देखिए, ये स्नेहा के साथ
कौन है ये? मम्मा उसकी, मैं, और मैं कितनी पतली थी तब, ये देखो आप, मतलब बिल्कुल वेट लूज, मतलब एक होता ना गेन कर लेते बेबी के बाद, मेरा नहीं हुआ था, मेरा हुआ है बेटा होने के बाद। ये देखिए इसकी मौसी, ये रही मैं, सिंपल सोबर, बिल्कुल फैशन का नाम निशान नहीं। ये स्नेहा की नानी, बड़ी नानी, और ये छवि, और ये ऋषभ, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ये कुछ यादें थी तो सोचा आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं हूँ, ये स्नेहा है, और ये भी स्नेहा है, और कुछ पिक्चर्स क्लियर भी नहीं है। ये बच्चों के होली की पिक है, ये कुछ गार्डन में कुछ मेमोरीज हैं, ये बच्चे वहाँ पर गए थे गार्डन में तो वहाँ की है, ये स्नेहा है। थोड़ी क्लियर भी नहीं आ रही है ना, क्योंकि जो कैमरा होता था वो इतना अच्छा नहीं होता था, देखो तो उसमें पिक्चर इतनी क्लियर नहीं आती थी। मेरे पास एक ऐसा ही कैमरा था, ज़्यादा खास नहीं था तो इसलिए इतनी क्लियर नहीं है। ये स्नेहा बैठी है कार में। मेरे को बहुत शौक था बच्चों की क्यूट क्यूट ड्रेसेस पहनाने का, और कभी चोटी बना दी, कभी कुछ, देखो ये मैंने क्या काम करा है, दिख रहा है, देखो स्नेहा को मैंने दुल्हन बना दिया छोटी सी को। कितने क्यूट लग रही है। ऐसे काम करती थी मैं उल्टे सीधे, मम्मी तो बोलती थी कि बस यही काम है से पूरे दिन। ये देखो डॉल लेकर बैठी, इसके बर्थडे पर मिली थी ये, निप्पल पी रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मतलब इसको पसंद था, हनी हनी निप्पल होता है ना वो वाला लेने का, बड़ी मुश्किल से इसकी ये हैबिट हटवाई थी मैंने। इसके बर्थडे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, केक सारे मतलब सारे बच्चे आए हुए हैं, नहीं फर्स्ट का नहीं है ये, सेकंड बर्थडे का है, सॉरी। ये मैं हूँ, ये इसके पापा हैं, देखो कितनी सिंपल, और मैंने सारे फोटो और जो है ना वो जैसे डिलीट करते ना ऐसे फाड़ दिए, क्यों? क्योंकि मैं सुंदर नहीं लग रही थी उस टाइम पे, बिल्कुल भी गंदी लगती थी, बिल्कुल फोटो क्वालिटी में अच्छी नहीं लगती थी। देखो स्नेहा ने मिट्टी खा ली थी। ये रीश ने, हाँ ये लबे भी मेरा क्यूट बच्चा, शैतानी देखो फ्रॉक में बैठी है, और थोड़ा ना रिफ्लेक्शन आ रहा होगा फोटोज का, क्योंकि ये एल्बम मैंने, देखो टॉवल में कितनी क्यूट लग रही है स्नेहा, देखो डांस कर रही है, और ये मैंने कान्हा जी बना दिया था इसको। और अभी तो ये ना एक एल्बम है, और जिनके बड़े हो गए ना वो अलग है, ये सिर्फ इसकी छोटे की है, मतलब बिल्कुल जब ये स्मॉल बेबी थी। ये देखिए ये मेरे बच्चे, कान्हा जी, ये बैठी है, ये देखो कोई मिल गया मेरा दिल गया, देखो मैंने बिल्कुल काजोल बना दी अपनी गुड़िया, ये वाला बैंड लगा के कोई मिल गया, लग रही है ना काजोल। देखो वही ड्रेस है, बिल्कुल क्यूट सी कोटी, क्यूट सी स्कर्ट, और क्यूट सा बैंड। मुझे बहुत शौक था बच्चों के कपड़ों का, बहुत ज्यादा न्यू न्यू ड्रेसेस पहनाना, स्टाइल बनाना, एकदम रेडी रखती थी, कम से कम दिन में 3 से 4 बार तो मैं कपड़े चेंज करा करती थी, इतना शौक था मुझे कि बच्चे एकदम फिट और स्मार्ट लगने चाहिए। ये देखिए, और हर चीज की क्लिक नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि अब तो हमारे पास फोन हो गए, हर मोमेंट पे क्लिक कर लो, तब ऐसा नहीं होता था, फोटो जो हमारे क्लिक होते थे ना वो बनवाने ही पड़ते थे, इसलिए ज्यादा ऑप्शन नहीं था। ये गंजी हो गई थी इसने इसमें, और ये देखो कितनी क्यूट लग रही है इसमें, मैंने 2 चोटी बना दी इसकी, साफ नहीं आ रहे होंगे बट जैसे भी आ रहे हैं, देखो इसकी बुआ से मिलवाती हूँ, स्नेहा की छोटी बुआ रुचि बुआ, इनको वंदना भी बोलते हैं। ये स्नेहा डांस कर रही है गूगल लगा के। अच्छा ठीक, मैं आ गई हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे साउथ की हीरोइन, देखो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था, मीन्स जैसे अब मैं थोड़ा रेडी भी हो जाती हूँ, जब ऐसा कुछ नहीं था, जैसे हैं बिल्कुल सिंपल, अपना ना लिपस्टिक है ना बिंदी है ना कुछ है, ऐसे ही रहते थे जब, इतना शौक नहीं था मुझे। अब तो मैं फिर भी थोड़ा सा कर लेती हूँ मेकअप वगैरह, अब पहले बिल्कुल नहीं करती थी। ये देखो, और ये स्नेहा के बर्थडे का केक, और ये सब इनकी मैडम की रिपोर्ट्स भी हैं इसके अंदर, और ये देखिए क्योंकि एल्बम इतनी बड़ी नहीं है ना, सब नहीं आ सकता इसके अंदर, तो थोड़ा ही मोमेंट आया है। और ये सब मैंने
फाइनली लास्ट में इसने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ किया, राइट डाउन किया हुआ है पूरी एल्बम में। तो इस तरह से मेरी गुड़िया की प्यारी सी स्वीट मेमोरी मैंने आपके साथ की है आज शेयर। और अभी बहुत सारी एल्बम बाकी हैं, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। किसी दिन मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। अपने बच्चे के देखो है मेरे पास, ये कब स्कूल गई है, कब क्या, ये मतलब ये भी एल्बम है ऐसी है स्कूल वगैरह की, ये जैसे छोटी थी फर्स्ट टाइम कब गई होली वगैरह की पिक्चर्स इस वाली एल्बम में है नानी के साथ। और अच्छा ये दिखा देती हूँ, अगर ये सही से आएगी तो इसमें थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मुझे टेंशन हो रही है, फिर कोई देखता नहीं है, बोर हो जाता है। ये देखो ये वाली पिक्चर दिखा देती हूँ, ये मेरी नानी है, ये मेरी मम्मा है मीन्स मेरी मम्मी, ये मैं हूँ और ये स्नेहा है। तो ये हमारी है फैमिली पूरी, स्नेहा, स्नेहा की मम्मा, मेरी मम्मा और उनकी भी मम्मा। तो देखो कितनी प्यारी फैमिली है। और इसी तरह से कुछ ना बहुत ही सुंदर स्वीट मेमोरी भी है मेरे पास मेरी नानी की, जो स्नेहा के साथ थी। ये देखिए मेरी मामा मामी वगैरह सब। तो ये मैं आपको किसी और दिन दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है और आप 101% बोर हो गए। बट आई एम सॉरी, आप मेरी फैमिली हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी प्यारी सी मेमोरी आज शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और बोर हो गए हो तो प्लीज़ सॉरी यार, आगे से बोर नहीं करूँगी, अच्छे से अच्छे व्लॉग लाऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। तो मिलते हैं कल, तो जाइएगा ज़रूर, बट कल को व्लॉग देखने आना है जरूर, ठीक है जी, बाय बाय।